हेलो एवरीवन, इट्स ज्योति एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये नवरात्रि स्पेशल माँ दुर्गा ड्राइंग ट्यूटोरियल का पार्ट टू है। एंड इस पार्ट में मैं आपको माँ दुर्गा को कलर करना सिखाने वाली हूँ बेसिकली। एंड इससे पहले पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, जिसमें कि मैं आपको आउटलाइन ड्राॅइंग कैसे करना है माँ दुर्गा जी का, वो मैं सिखाई थी। तो पार्ट वन का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कॉमेंट में मिल जाएगा, चेकआउट करना एंड वीडियो देख कर आप भी ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ मैं कलर करने वाली हूँ माँ दुर्गा को वाटर कलर से। तो मैं पैलेट निकाल ली हूँ, इसमें ये कैमल का वाटर कलर ट्यूस वाला कलर है। एंड साथ में थोड़ा मैं यूनिक करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं मेटेलिक कलर ले ली हूँ ब्रेलियन ब्रांड का। तो आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो, इसमें गोल्डन सिल्वर बहुत ही मस्त है। तो इसको मैं यूज करके बहुत ही क्रिएटिव करने वाली हूँ माँ दुर्गा का ड्रॉइंग। एंड साथ में इसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल कलर भी है एंड काफ़ी साइन करता है, सिमरी लुक देता है। तो आप परचेस कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये दो पेंट हम निकाल चुके हैं, अभी हम ब्रश निकालते हैं। तो यहाँ मैं ग्रीन ब्रश ये यूज़ करने वाली हूँ वाटर कलर के लिए। अगर आप आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप ये नॉर्मल सा फाइबर कास्टल का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। राउंड ब्रश आपको सिंपली ले लेना है। एंड इसके बाद जो ये मेटेलिक पेंट है, ये एक तरीके से एक्रेलिक ही होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक ब्रश ले ली हूँ ताकि अच्छे से मैं पेंट कर सकूँ। तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया। जो पेपर है आउटलाइन ड्राॅइंग जिस पर कर रही हूँ, वो वाटर कलर पेपर पर कर रही हूँ। तो आप वाटर कलर पेपर ले सकते हो एंड उस पर आउटलाइन ड्राॅइंग करके कलर करना स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट आपको ले लेना है नीडेबल इरेजर, या फिर कोई भी आप नॉर्मल इरेजर ले सकते हो, और उससे हल्का सा आउटलाइन को इरेज कर लेना है। यहाँ हम लोग कलर वर्क करने वाले हैं, तो ग्रेफाइट का कोई नीड नहीं है, आराम से यहाँ पे आप 50% तक इरेज कर लेना। नेक्स्ट हम कोई सा भी कंटेनर लेंगे, उसमें आप वाटर फिल कर लेना, और जो भी आपके पास बड़े साइज का ब्रश हो उसको बेट कर लेना है अच्छे से। देन पेपर पर अप्लाई करना है, पेपर को भी इस तरीके से पूरा बेट कर देना है ताकि कलर फ्लो अच्छे से हो। अभी हम लोग कलर मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ मैं डीप येल्लो ली हूँ, साथ में हल्का सा रेड मिक्स करके ऑरेंज यहाँ पे क्रिएट करी हूँ डार्क वाला थोड़ा, देन हल्का सा लाइट ऑरेंज में शेड यहाँ पे क्रिएट करी, या फिर आप डीप येल्लो भी कह सकते हो, कुछ ऐसा शेड में क्रिएट करी हूँ। एंड रेफरेंस के अकॉर्डिंग के कलर हमको चाहिए था हल्का सा येल्लो ऑरेंज टाइप का, तो इसको मैं इस तरीके से मिक्स करके अप्लाई करी हूँ फेस के ऊपर। पेपर के ऊपर जितना अपना वाटर रखोगे उतना ही आपका ईजिली कलर फ्लो करेगा एंड स्प्रेड करेगा, और आपको बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना, भी आप देखो कितना लाइक स्मूथली ब्लेंड हुआ है कलर अपने आप। तो कलर इस तरीके से अप्लाई कर लेने के बाद, जहाँ मुझे हाईलाइट दिखाना था ना, वहाँ मैं बिल्कुल ड्राई ब्रश लेकर वहाँ से कलर हटा दी हूँ ताकि वहाँ पे हाईलाइट इस तरीके से क्रिएट हो जाए। एंड ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपका पेपर गीला रहेगा, तभी हो पाता है हाईलाइट वाला ये काम। अभी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से वही लेयर अप्लाई कर रही हूँ, येल्लो डीप येल्लो वाला लेयर जो हम मिक्स कर रहे थे पहले, सेम वही कलर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था। साथ में आपको ये ध्यान देना है कि आप हाईलाइट को हाईलाइट ही रहने दो, मतलब वो लाइट ही दिखना चाहिए। रेफरेंस में अगर आप देखोगे समझ में आपको आ जाएगा कहाँ पे हाईलाइट है। तो अगर आप इस तरीके से हाईलाइट रखोगे तो आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लग सकता है, जैसे कि रेफरेंस में है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग लाइट टू डार्क काम करते जाएंगे। अभी मैं और थोड़ा डार्क येल्लो टाइप का कलर ली हूँ, एंड जहाँ जहाँ मुझे लगा कि और थोड़ा डार्क चाहिए वहाँ मैं सिंपली इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी बार बार। तो इसी तरीके से वो करना है। मिक्सिंग कैसे आप कर सकते हो वाटर कलर में वो आप समझ लो। पहले तो आपका जो पेपर है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, हल्का सा ना गीला होना चाहिए, तभी जो वो आप कलर दे रहे हो वो बिल्कुल स्मूथली फ्लो करेगा एंड आपको स्मूथ फिनिशिंग मिलेगा लास्ट में जाकर। तो ये सब आपको ध्यान देना है। साथ में आप दो ब्रश रखना, एक से आप कलर अप्लाई करना और दूसरे ब्रश से आप उसको मर्ज करना कलर को, तो इससे भी आप ब्लेंडिंग आराम से कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ मैं बार बार वही सेम चीज़ कर रही हूँ, ड्राई होने दे रही हूँ, देन मैं दूसरा लेयर अप्लाई कर रही हूँ। धीरे धीरे लाइट टू डार्क होते हुए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा फेस पार्ट। तो धीरे धीरे हम लोग येलो से स्टार्ट करे थे, अब धीरे धीरे इसको हम लोग ऑरेंज ले जाएंगे, फिर रेड हल्का ले जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ करेंगे एंड रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो कलर हमको चाहिए सिंपली वही हमको दिखाना है। तो रेफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको येल्लो ऑरेंज रेड ये कुछ शेड देखने को मिलेगा। तो सिमिलर मैं वही शेड यूज़ कर रही हूँ, बस आइस का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ मैं हल्का सा ब्लू अप्लाई कर रही हूँ कि कम्प्लीटली वाइट नहीं होता है, और कॉर्नर्स में मैं रेड दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो सिंपली इस तरीके से कर लेंगे एंड धीरे धीरे शैडो वाले पार्ट पे काम करेंगे एंड हाईलाइट वाले पार्ट को इस तरीके से हाईलाइट ही रहने देंगे। तो अभी बस आप ऑब्जर्व करो, देखो किस तरीके से हो रहा है, साथ में प्रैक्टिस बहुत करना तभी आप इस तरीके से बना पाओगे। एंड मुझे एक और चीज़ आपको बताना था, अभी मेरा नेक्स्ट ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है 11th अक्टूबर से।
तो अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उसमें आप माँ दुर्गा जी का ड्राइंग सीख सकते हो ऑयल पिस्टल मीडियम में। फी मैं बहुत ही लो रखी हूँ जिससे कि हर कोई ज्वाइन करे एंड सीख सके मेरे ड्राइंग वर्कशॉप में। एंड ये लाइव क्लासेस होगा रियल टाइम में, तो आप रियल टाइम में सीखोगे। जो भी आप डाउट होगा मेरे से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो क्लास में ही। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, सीखना हो, ज़रूर ज्वाइन करना। नीचे मैं नंबर प्रोवाइड कर दी हूँ, उस पर आप सिंपली मैसेज करना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको सिंपली मैसेज कर देना है कि मुझे ज्वाइन करना है नवरात्रि स्पेशल मिनी वर्कशॉप। देन आपको डिटेल्स वगैरह मिलेगा एंड आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। और कोशिश करना अगर आप 8 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कर सको, क्योंकि उसके बाद आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा एंड 11 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। नीचे नंबर मिला हुआ है, यहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी तक देखो माँ दुर्गा जी का फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैं हल्का रेड शेड क्रिएट कर रही हूँ मिक्सिंग करके वाटर कलर में एंड वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के ऊपर। एंड अभी हम लोग आइज़ बनाएंगे, तो यहाँ पहले आईबॉल के पास मैं अप्लाई कर रही थी येल्लो, देन उसमें हल्का सा ऑरेंज मिक्स कर रही, ब्राउन यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ मैं पहले लाइट टू डार्क काम कर रही हूँ। पहले मैं रेड यूज़ करी, ब्राउन यूज़ करी, देन लास्टली यहाँ मैं जाकर ब्लैक यूज़ करूँगी। ब्लैक हमेशा लास्ट में यूज़ करना है एंड जब बिल्कुल पेपर ड्राई हो ना तभी यूज़ करना है। अगर आपका पेपर ड्राई नहीं होगा एंड आप ब्लैक अप्लाई कर दोगे ना तो वो पूरा फैल जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते हो बाद में। तो ये ध्यान रखना है, पेपर ड्राई होने देना, देन आप डिटेल्स वगैरह काम करना धीरे धीरे, कुछ इस तरीके से करना है। मैं बिल्कुल लास्ट में ब्लैक यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर में एंड ड्राई होने देंगे, देन मैं आप बाद में आईलेसेस वगैरह बनाऊंगी, वेट करना है पहले। तो इस तरीके से कर लेंगे एंड सेम तरीके से अभी हम सेकंड आई भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ मैं पहले नोज़ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा और शैडो वगैरह क्रिएट करेंगे अच्छे से बिल्कुल, एंड जो भी हाईलाइट वगैरह आपको दिखाना है उसके लिए आप वाइट कलर ले सकते हो वाटर कलर में ही एंड हल्का फुल्का हाईलाइट दिखा सकते हो। और क्योंकि हमारा रेफरेंस माँ दुर्गा का मूर्ति वाला है तो हाईलाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको आइज़ के ऊपर हाईलाइट दिखाना है, साथ में आईब्रो के ऊपर भी हाईलाइट दिखाना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से रेफरेंस में कलर वगैरह है सिंपली आप उस तरीके से बार बार लेयर करते हुए ऐड करते जाना है। तो आइज़ हमारा कम्प्लीट है, बस आईलेसेस वगैरह बनाना जो कि मैं बाद में जब ड्राई हो जाएगा तब बना दूँगी। अभी हम नोज़ पर काम करेंगे एंड जो भी बाकी एरिया है आस पास का वो हम पहले बना लेंगे, देन हम सेकेंड आई क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड आई भी कंप्लीट है एंड जो भी हाईलाइट वगैरह दिखाना है उसके लिए आप व्हाइट वाटर कलर यूज़ करना ड्राई में बिल्कुल, ताकि बिल्कुल ब्राइट हाईलाइट आ सके इस तरीके से। एंड इस तरीके से सेकंड आई भी कंप्लीट है। अभी हम लोग नोज़ पे थोड़ा काम करेंगे, शैडो वाले पार्ट पे खासकर, ताकि रियलिस्टिक लगे। एंड जो भी बिंदी वगैरह डिज़ाइन वगैरह नोज़ के ऊपर है ना वो हम बना देंगे। तो यहाँ मैं जो व्हाइट वाला पार्ट था वहाँ पर व्हाइट वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ एंड रेड वाले पर रेड वाटर कलर यूज़ करके इस तरीके से क्रिएट कर दी। एंड जब पूरा ड्राई हो गया था आईज वाला पार्ट, तब मैं ये पतला वाला ब्रश बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं आईलैशेस वगैरह क्रिएट कर दी हूँ इस तरीके से। जितना पतला ब्रश यूज़ करोगे उतना ही अच्छा ये आईलैशेस वाला पार्ट बनेगा एंड अच्छा दिखेगा। एंड साथ में आपको ध्यान देना है कि जब आप आईलैशेस बनाओ तो आपका जो एरिया है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, अगर ड्राई नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल फैल जाता है एंड अच्छा नहीं दिखता है। अभी हम लोग ऊपर का जो थर्ड आई है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे, सेम तरीके से करने वाले हैं, सेम कलर यूज़ करेंगे। पहले आप रेड यूज़ कर सकते हो, देन ब्राउन, देन लास्ट में ब्लैक। आईबॉल भी सेम तरीके से करना है, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक इस तरीके से। अभी लास्टली जो लिप्स वाला पार्ट है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लाइट रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से, मिक्स कर लेना है अच्छे से, देन अप्लाई कर लेना है, देन ड्राई होने के बाद आप रेड अप्लाई करना लिप्स के ऊपर। एंड रेफरेंस अगर आप यहाँ से देखोगे जो लिप्स का कॉर्नर होता है वो अपर एंड लोअर वाला, उस पर जो आउटलाइन होता है ना वो बिल्कुल डार्क सा होता है थोड़ा, तो उसी तरीके से मैं क्रिएट यहाँ पे कर रही हूँ। एंड हाईलाइट वगैरह ऐड करने के लिए वाइट वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ ड्राई में थोड़ा। एंड जो भी चिक्स वाला पार्ट है वहाँ मैं और पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ एंड स्माइलिंग फेस है तो जो लाइन आ रहा है ना वो मैं इस तरीके से दिखाई हूँ। एंड हो सके तो यहाँ पर आप थोड़ा बड़े साइज़ का ब्रश यूज़ करना एंड बिल्कुल लाइट रेड लेना एंड उससे धीरे धीरे इस तरीके से अप्लाई करना, ताकि बिल्कुल हेवी भी ना दिखे, लाइटली ही दिखे। नेक्स्ट अभी हम
करेंगे माँ दुर्गा का हेयर वाला पार्ट। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्काई ब्लू कलर ली हूँ लाइट में बिल्कुल, एंड जहाँ पे हाईलाइट मुझे दिखाना है वहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ, अच्छे से इस तरीके से फ्लो करना है। देन यहाँ पे हम स्काई ब्लू में डार्क ब्लू मिक्स करके ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क वाला ब्लू क्रिएट करके इसको भी अप्लाई करेंगे। देन ब्लू में हम ब्लैक मिक्स करेंगे एंड इस तरीके का शेड क्रिएट करना है। एंड धीरे धीरे जहाँ पे हमको डार्क दिखाना है वहाँ पे आप सिंपली अप्लाई करो। एंड जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पे कम्प्लीटली शैडो वाला पार्ट होता है तो इसलिए वहाँ पे डार्क दिखेगा। एंड जो भी लाइक हेयर का स्ट्रक्चर है वो भी हम दिखा सकते हैं, ड्राई होने देना है उसके बाद। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हेयर का है वो हल्का सा वेव टाइप का है, कर्ल हेयर होता है माँ दुर्गा जी का, तो आपको इस तरीके से कर्ल दिखाना होगा तभी वो अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान देना है, जब आपको डिटेलिंग करना होगा तब पेपर ड्राई होना चाहिए, जब आपको बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड दिखाना है वाटर कलर में तब पेपर आपका गीला होना चाहिए। तो दो चीज़ आपको ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको काम करते जाना है। ऊपर की तरफ मैं सेम उसी तरीके से काम कर रही हूँ, लाइंस वगैरह क्रिएट कर दी हूँ हेयर जैसा दिख रहा है, ड्राई होने देना है एंड देन धीरे धीरे डार्क करते जाना है। पहले मैं लाइटली हेयर बनाई थी, देन धीरे धीरे डार्क शेड अप्लाई करते करते यहाँ पे ब्लैक कम्प्लीटली हेयर करूँगी। कम्प्लीटली ब्लैक भी नहीं होगा, इसमें ब्लू का भी कलर आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से काम करते जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि हाईलाइट भी आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हो वाटर कलर में, एंड बिल्कुल पतले वाले ब्रश के साथ आप इस तरीके से हाईलाइट भी दिखा सकते हो हेयर के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे एक हेयर साइड कंप्लीट है, अभी सेकंड साइड भी हम कर लेंगे। आगे की तरफ मैं हल्का सा हेयर निकालती हूँ ताकि और भी अच्छा दिखे। अभी सेम तरीके से हम सेकंड दूसरे वाले साइड का भी करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड साइड का भी हेयर कंप्लीट है, अभी हम लोग नेक वाला पार्ट करेंगे। सेम तरीके से करना है जैसे आप फेस पार्ट करे थे, पहले हल्का सा डीप येलो में करना है कुछ ऐसा, एंड देन हम लोग ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं शैडो वाले पार्ट पे, जहाँ पे और भी ज़्यादा डार्क दिखाना है शैडो दिखाना है वहाँ पे आप रेड यूज़ कर सकते हो, साथ में आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमारे माँ दुर्गा जी का जो फेस पार्ट है, हेयर पार्ट है, जो स्किन पार्ट है बेसिकली वो सब कंप्लीट है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जो ज्वेलरी वाला पार्ट है, जो कुछ बचा हुआ है वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कलर करना सिखाने वाली हूँ मेटालिक कलर से, जो कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और हाँ, अगर आप सब भी इस वीडियो को देखकर माँ दुर्गा जी को ड्रॉ कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपका वर्क। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।